बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम न्यूमेरिकल एनालिसिस के न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन चैप्टर से है। जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, ये एक आर्टिकल है जिसको न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। इसका स्टेटमेंट है, इफ़ दी वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स, यानी वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एन प्लस वन इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स, वो इक्विडिस्टेंस पॉइंट हैं ए, इसको एक्स नॉट से भी डिनोट करते हैं, एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस टू एच, और इनके बीच का जो गैप है एच एच है इस तरीके से, एंड सो ऑन, प्लस लास्ट का जो पॉइंट है एक्स नॉट प्लस एन एच, इसको हम बी से डिनोट करें। बी गिवन वाई, तो वाई एक्स नॉट पर फंक्शन की वैल्यू वाई नॉट है, ऐसे ही एक्स नॉट प्लस एच यानी एक्स वन पर वाई वन है, ऐसे ही एक्स नॉट प्लस टू एच पर ये फंक्शन की वैल्यू वाई टू है, एंड सो ऑन, एक्स नॉट प्लस एन एच पर फंक्शन की वैल्यू वाई एन है। देन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू जो होती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए नॉट को एक्स नॉट भी लिखा जाता है, ए को एक्स नॉट भी लिखा जाता है, और बी को हम एक्स नॉट प्लस एन एच भी लिखते हैं। एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू जो होती है वो होगी इज इक्वल टू एच, और इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई इसके साथ में हो रहा है एच का, एन वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर बाई टू डेल्टा वाई नॉट प्लस ब्रैकेट में है एन क्यूब बाई थ्री माइनस एन स्क्वायर बाई टू डेल स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एन टू द पावर फोर अपॉन फोर माइनस एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा क्यू वाई नॉट अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस ये ब्रैकेट में है एन टू द पावर फाइव अपॉन फाइव माइनस थ्री टाइम्स एन टू द पावर फोर अपॉन टू प्लस इलेवन बाई थ्री एन क्यूब माइनस थ्री एन स्क्वायर डेल टू द पावर फोर बाई नॉट अपॉन वेक्टोरियल फोर प्लस एन टू द पावर फोर ये ब्रैकेट में है एन टू द पावर सिक्स अपॉन सिक्स माइनस टू एन टू द पावर फाइव प्लस थर्टी फाइव अपॉन फोर एन टू द पावर फोर एन टू द पावर फोर, और नेक्स्ट टर्म है जो अगले पेज पर है ये माइनस फिफ्टी एन क्यूब अपॉन थ्री प्लस ट्वेल्व एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डेल्टा क्यूब पावर फाइव बाई नॉट अपॉन फैक्टोरियल फाइव प्लस नेक्स्ट टर्म है ये ब्रैकेट में एन टू द पावर सेवन अपॉन सेवन माइनस फाइव एन टू द पावर सिक्स अपॉन टू प्लस सेवनटीन एन टू द पावर फाइव माइनस टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर एन टू द पावर फोर प्लस टू हंड्रेड सेवेंटी फोर अपॉन थ्री एन क्यूब माइनस सिक्सटी एन स्क्वायर डेल्टा की पावर सिक्स वाई नॉट अपॉन फैक्टोरियल सिक्स प्लस एंड सो ऑन। तो इसको हमें प्रूव करना है, तो इसे प्रूव के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे जो हमारा इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है उसमें पुट कर देंगे एक्स की जगह पर एक्स नॉट प्लस यू एच पुट कर देंगे ताकि हम डी एक्स की वैल्यू जब यहाँ से फाइंड करें तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाता है और एच कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा इनटू में है और यू का डिफरेंशिएशन डी हो जाएगा यानी डी एक्स यहाँ पर एच डी यू पुट कर देंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर इंटीग्रेशन था यानी हम देख रहे थे कि इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में था एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच तक और यहाँ पर फंक्शन जो लिखा हुआ था एफ एक्स डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड जो उसका स्टेटमेंट देखा था हम लोगों ने तो इस एक्स की जगह पर हम एक्स नॉट प्लस यू एच रखने को हैं और डी एक्स यहाँ पर यू डी यू रखने हैं। इस तरीके से ये पुट करेंगे तो ये लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो चेंज होगी कितनी होगी वो हम अभी देख लेंगे। पहले हम यहाँ पर एक्स की जगह पर ये लिख देते हैं एक्स नॉट प्लस का यू एच और डी एक्स की जगह पर एच डी यू, एच कांस्टेंट है इनटू में है इसे कांस्टेंट बाहर भी ले लेंगे वो बात की बात है, पहले तो हम जो यहाँ पर यू की जो लिमिट है वो पुट करेंगे। एक्स और यू के बीच में ये रिलेशन है, अगर यहाँ से हम
डायरेक्ट यू की वैल्यू ही फाइंड करें, तो हमें एक्स माइनस एक्स नॉट कर लेना चाहिए, इसको उधर ले जाएंगे तो ये यू एच आ जाएगा, और अगर हम एच यू की वैल्यू निकालेंगे एच अपान में ले आएंगे, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यू जो है वो है एक्स माइनस एक्स नॉट अपान एच के इक्वल है। अब हम अपर और लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं कि एक्स की जगह पर हम जब लोअर लिमिट एक्स नॉट रखेंगे, जब एक्स नॉट रखेंगे तो एक्स नॉट रखने पर देख रहे हैं कि एक्स यहाँ पर एक्स नॉट रखेंगे, यानी एक्स की वैल्यू जब एक्स नॉट के इक्वल होगी तो हम देख रहे हैं यू की वैल्यू कितनी हो रही है, एक्स नॉट में से एक्स माइनस होगा अपान एच करेंगे तो ये वैल्यू एच नॉट अपान जब ज़ीरो किया जाएगा तो ये ज़ीरो एच ज़ीरो अपान एच करेंगे तो ये वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। ये तो हो गई लोअर लिमिट, यानी लोअर लिमिट तो ज़ीरो आ गई। अब अपर लिमिट जब हम एक्स की वैल्यू इतनी पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू एक्स नॉट प्लस एन एच पुट करेंगे, यहाँ पर यू की वैल्यू हमने फाइंड की है, इसमें जब यू की यू इजिकल टू हो जाएगी यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स नॉट प्लस का एन एच, और इसमें से एक्स नॉट माइनस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचाएगा एन एच अपान में एच, ऐसे एच कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से यू की वैल्यू देख रहे हैं कि एन के इक्वल आ गई है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये अपर लिमिट जो हो गई वो एन के इक्वल आ चुकी है। अब लिमिट चेंज करने के बाद हम गिवन डाटा को देखेंगे कि वहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस यू एच की वैल्यू जो कि हमारे यहाँ पर लिखी हुई है इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा गिवन जो डाटा है लास्ट वैल्यू को देखें, इसमें ये एक्स नॉट प्लस अगर एन एच है तो इसको यहाँ पर लिखा गया है वाई एन से डिनोट किया गया है, यानी जो एच को कोफिशिएंट एक्स नॉट के बाद प्लस है और एच का जो कोफिशिएंट है वही यहाँ पर आ गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं अपना कि ये एक्स नॉट प्लस एच है और वो यू टाइम्स है तो एन की जगह पर यू आ रहा है तो वहाँ पर आ गया था बाई एन, यहाँ पर आ जाएगा बाई यू आ जाएगा। तो हम इस बाई यू को जो कि गिवन डाटा से लिख देंगे, फ्रॉम कह सकते हैं फ्रॉम गिवन डाटा, तो ये वैल्यू हम लिख देंगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो यही है कि एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस का एन एच, और लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू जो राइट हैंड साइड में लिखी थी लिमिट यू की होगी ये ज़ीरो से लेके एन तक, वेरिएबल चेंज हुआ है एक्स से यू हो गया, और इस वैल्यू को भी हम लोगों ने लिखा शॉर्ट में से वाई यू लिख देंगे, और एच इंटू में है कॉन्स्टेंट है तो इसको हम एच को इस इंटीग्रेशन के साइन से बाहर भी ले लेंगे तो एच को हम बाहर लिख देंगे, सिर्फ यहाँ पर डी यू होगा, डी यू हो गया ये। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यूजिंग न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ये हमें फार्मूला याद होना चाहिए फार्मूला फॉर वाई यू के लिए हम लोग जानते हैं इसकी जो वैल्यू होती है वो हम इस इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू दे रखी है उसको नोट कर लेते हैं, यानी इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स एज इट नोट कर लिया लेफ्ट हैंड साइड जैसे लिखा था, और फिर यहाँ पर एच लिमिट यू की है ज़ीरो से एन, और वाई यू की वैल्यू न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले से जो होती है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, ये होती है वाई नॉट प्लस यू इंटू डेल्टा वाई नॉट प्लस यू यू माइनस वन अपान फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, ये याद करने के लिए आसान है, प्लस यू एक एक फैक्टर बढ़ता जाएगा
यू माइनस वन ऑड्स में वैल्यू भी एक ज़्यादा घटेगी यू में से, यू माइनस टू हो जाएगी, अपान में फैक्टोरियल टू था आपकी फैक्टोरियल थ्री हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो डेल्टा है उसका भी ऑर्डर एक बढ़ जाएगा, यानी डेल्टा की पावर थ्री हो जाएगी और वाई नॉट यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से हम अगर नेक्स्ट टर्म भी लिखना चाहें, और हमें लिखना भी पड़ेगा, तो इसमें अगले पेज पर हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको इस तरीके से कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म हमारा ये हो जाएगा प्लस यू यू माइनस वन यू माइनस टू यू माइनस का थ्री होल अपान में फैक्टोरियल फोर डेल टू द पावर फोर वाई वाई नॉट प्लस यू यू माइनस वन यू माइनस टू यू माइनस थ्री यू माइनस फोर अपान फैक्टोरियल फाइव डेल्टा टू द पावर फाइव वाई नॉट प्लस अगर हम सिक्स तक लिखें तो यू यू माइनस वन यू माइनस टू यू माइनस थ्री यू माइनस फोर ये यू है ये हमारा फोर हो जाएगा यू माइनस फोर यू माइनस फाइव यू माइनस फाइव अपान फैक्टोरियल सिक्स और डेल पावर सिक्स और वाई नॉट प्लस एंड सो ऑन। और यहाँ पर इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और डी यू लास्ट में लिखा है उसको लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करना होगा और इसमें यू के रिस्पेक्ट में देखने में इंटीग्रेशन करना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही रहेगी, यानी यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को नहीं लिख रहे हैं, और राइट हैंड साइड में एच था, और फिर उसके बाद इस ब्रैकेट को हमने बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन के साइन को अंदर जब ले जाएंगे तो हर एक टर्म का इंटीग्रेशन करना होगा, टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन करना होगा हर एक टर्म का। जो यहाँ पर यू वेरिएबल है यू का ही इंटीग्रेशन होगा, बाकी सारे कांस्टेंट हैं, इनको हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लेते जाएंगे। पीछे देख लीजिएगा तो सबसे पहला टर्म जो हमें मिला है वाई नॉट मिला हुआ है, जिसका हमें यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो वाई नॉट इंटू वन कर सकते हैं और वाई नॉट को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे। सिर्फ हमारे पास वन बचेगा जिसको हमें यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, लिमिट इसकी ज़ीरो से एन तक है। और प्लस इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म है डेल्टा वाई नॉट, ऐसे इंटू यू इंटू डेल्टा वाई नॉट है सेकेंड टर्म, इसमें डेल्टा वाई नॉट तो कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, हमें सिर्फ यू का इंटीग्रेशन करना है यानी ज़ीरो से लेके एन तक लिमिट के बीच में यू के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट टर्म हमें जो मिला है उसमें देख रहे हैं कि डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट अपान जो फैक्टोरियल टू है जो कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, और हमें इंटीग्रेशन करना है यू के रिस्पेक्ट में, ज़ीरो से एन के बीच इंटीग्रेशन की लिमिट है। और यहाँ पर जो इस टर्म का हम इंटीग्रेशन यहाँ पर करने जा रहे हैं उसमें हमें ब्रैकेट में यू का इंटू दोनों में करना होगा, ये यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस का यू हो जाएगा, तो ये हो गया यू स्क्वायर माइनस का यू, और हमें इसको यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। प्लस फिर नेक्स्ट टर्म का हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं वो उसमें डेल्टा क्यू वाई नॉट अपान फैक्टोरियल थ्री को बाहर ले लेंगे, और हम यहाँ पर तीनों का आपस में जो फैक्टर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मीन्स यहाँ पर जो है यू यू माइनस वन और यू माइनस टू इन तीनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा यू क्यूब माइनस का थ्री यू स्क्वायर प्लस का टू यू। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिला है यू क्यूब माइनस का थ्री यू स्क्वायर प्लस का टू यू, और यू के रिस्पेक्ट में इसमें इंटीग्रेशन करना है। फिर नेक्स्ट टर्म जब लिख रहे हैं तो इसमें भी देख रहे हैं जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेंगे, यानी डेल्टा की पावर फोर वाई नॉट अपान फैक्टोरियल फोर को बाहर ले लेंगे, और हम इन तीन फैक्टर का तो मल्टीप्लाई करते आए हुए हैं अभी यू यू माइनस वन यू माइनस का टू, तो इन जो कि मल्टीप्लिकेशन इतना आया, इसमें जब हम इसको शामिल करना है यानी ये यू माइनस थ्री और,
तो जो वैल्यू आ चुकी है इसमें यू माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम रफ में करके देख सकते हैं। तो इसमें जब हम यू माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो मिलेगा उसको हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ज़ीरो से एन लिमिट के बीच में, यू के रिस्पेक्ट में वो वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद यू की पावर फोर माइनस सिक्स यू क्यूब प्लस इलेवन यू स्क्वायर माइनस सिक्स यू। अब ये जो वैल्यू आई है वो इन चार फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। अब हम जब इस का इन करने जाएंगे इंटीग्रेशन तो पहले इनका इंटू करेंगे यू, यू के रिस्पेक्ट में ये यू है हमारा और ये हमारा फोर है। तो यहाँ तक तो इंटू इन तीनों के इंटू हम करके आए हैं, ये इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा यू माइनस फोर का। यू माइनस फोर का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अगला टर्म मिल जाएगा जिसमें कांस्टेंट जो आ रहे हैं उनको हम पहले बाहर लिख देते हैं। ये होगी क्लियरली डेल्टा की पावर फाइव बाई नॉट अपन फैक्टोरियल फाइव, इनको तो बाहर कर लें, बाकी जो है वो हमें इंटीग्रेट करना होगा ज़ीरो से एन के बीच यू के रिस्पेक्ट में, और यू का जो फंक्शन है वो यहाँ पर हम लिख रहे हैं। इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर यू टू द पावर फाइव, यानी इन पाँचों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन माइनस का सेवन यू टू द पावर फोर प्लस थर्टी फाइव यू की पावर थ्री, इनका मल्टीप्लिकेशन हमने पहले करके अलग से रफ पे लिखा हुआ है यू स्क्वायर प्लस का ट्वेंटी फोर यू, और इसको यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना। अब हमने जितना लिखा है उसमें ये लास्ट वाला जो टर्म बचा हुआ है जिसमें अब इस इन चारों का इन पांचों का मल्टीप्लिकेशन तो ये आ चुका है, अब हम इन छः का मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो बस इस वैल्यू में हम यू माइनस फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो प्लस माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी उसको नेक्स्ट टर्म में लिखेंगे। लेकिन इस टर्म में हम देख रहे हैं जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर सकते हैं इंटीग्रेशन के साइन से, यानी डेल्टा की पावर फाइव तो हो चुका है सिक्स बाई नॉट अपॉन फैक्टोरियल सिक्स, इंटीग्रेशन करना यू के रिस्पेक्ट में ज़ीरो से एन, और जो मल्टीप्लिकेशन आया है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं यू के पावर सिक्स माइनस ट्वेल्व यू टू द पावर फाइव प्लस सेवेंटी यू टू द पावर फोर माइनस टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव यू की पावर थ्री प्लस ट्वेंटी सेवन यू की पावर यह है टू हंड्रेड सेवेंटी फोर यू स्क्वायर माइनस वन हंड्रेड ट्वेंटी यू डी यू और प्लस एंड सो ऑन। और इसमें हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना बाद में जाके, और हर एक टर्म का हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना होगा। जैसे कि वन का इंटीग्रेशन करेंगे यू के रिस्पेक्ट में तो यू आ जाएगा, तो यहाँ पर हम एच लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज, और वाई नॉट को लिखने के बाद वन का इंटीग्रेशन जब लिखेंगे तो यू हो जाएगा, और इसमें अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट करेंगे, लोअर लिमिट चूँकि ज़ीरो है तो यू में जब ज़ीरो रखेंगे ज़ीरो हो जाएगा, अपर लिमिट ही रहेगी यानी एन रहेगी। फिर हो चुका सॉल्व होके नेक्स्ट टर्म को भी हम इंटीग्रेट कर देंगे, और उसमें जो बाहर लिखा हुआ है इसको पहले नोट कर लेते हैं, यानी डेल्टा वाई नॉट फिर यू का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यू स्क्वायर बाई टू आएगा। ये हम रफ पे यहाँ पर देख लेते हैं, ये यू स्क्वायर बाई टू आएगा और इसमें फिर हमें अपर लिमिट भी लिखना होगी और लोअर लिमिट भी, और हम लोग जानते हैं अपर लिमिट पहले यानी एन स्क्वायर बाई टू हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट यू की जगह पर ज़ीरो ज़ीरो स्क्वायर बाई टू, चूँकि ज़ीरो का इसका ज़ीरो अपान में टू है पूरा वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, यानी एन स्क्वायर बाई टू ही वैल्यू बचेगी, वही यहाँ पर हम नोट कर देते हैं यानी लिख देते हैं। तो एन स्क्वायर बाई टू जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर उस वैल्यू को हम यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जो भी है वो यहाँ पर नोट कर देते हैं यानी लिख देते हैं एन स्क्वायर बाई टू। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म है प्लस, इसमें भी हमें डायरेक्ट थोड़ा सा करना होगा और ये लिख देंगे डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट अपन फैक्टोरियल टू। इस कॉन्स्टेंट को लिखने के बाद इसका टर्म बाई टर्म जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये यू क्यूब बाई थ्री आएगा,
और यहाँ पर जब u की जगह पर n लेंगे लिखेंगे तो n क्यू बाई थ्री आ जाएगा। लोअर लिमिट चूँकि ज़ीरो है तो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि उसमें u आ रहा होगा, इसलिए नेक्स्ट टर्म में माइनस का ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, लेकिन यू की जगह पर जब एन रखेंगे एन स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। और फिर इस टर्म का जब इंटीग्रेशन हो गया तो फिर हम नेक्स्ट टर्म को देख रहे हैं प्लस का, जिसमें ये कांस्टेंट है यानी डेल्टा क्यू वाई नॉट अपान फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल थ्री इसको तो हमने बाहर ले रखा है। और इस टर्म का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यू की पावर मिलेगी फोर, तो यू की पावर यहाँ पर जब फोर मिलेगी तो जब लिमिट रखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो एन की पावर फोर हो जाएगी और पान में भी उतना नहीं आ जाएगा। इस टाइम का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस थ्री लिखा हुआ है ये, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यू क्यूब अपान थ्री आएगा, तो यानी यू की जगह पर एन रखना होगा, लोअर लिमिट ज़ीरो ही हो जाएगी, तो एन क्यूब अपान थ्री हो जाएगा प्लस का टू इंटू यहाँ पर भी जब यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो यू स्क्वायर अपान टू आएगा, और यू की जगह पर एन रखेंगे और जीरो रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि अपर लोअर लिमिट ज़ीरो है तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये टर्म मिल जाएंगे, ये टू से टू कैंसिल और थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा। वो इस टर्म को लिखने के बाद हमें इस टर्म को लिखना है, तो प्लस प्लस इसको लिखने जा रहे हैं, तो जब हम इसको लिखेंगे हमारे सामने ये डेल्टा की पावर फोर वाई नॉट अपॉन फैक्टोरियल फोर, इस टर्म का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मालूम है कि इसका इंटीग्रेशन होगा यू की पावर फाइव अपॉन फाइव हो जाएगा, लेकिन जब अपर लिमिट रखेंगे यू की जगह अपर लिमिट एन रखेंगे तो ये एन की पावर फाइव अपन फाइव माइनस लोअर लिमिट ज़ीरो की पावर फाइव अपन फाइव, तो वो ज़ीरो हो जाएगा, उसको हमने छोड़ दिया है। माइनस सिक्स इंटू यहाँ पर भी एन की पावर फोर अपन, इसी तरीके से एन की पावर फोर अपन फोर हो जाएगा। वैसे तो यू होगा यू की पावर थ्री फोर अपन फोर, लेकिन फिर लोअर लिमिट चूँकि सभी में ज़ीरो हो जाएगी तो हम उसको नहीं अब कंसिडर करेंगे, डायरेक्ट हम अब एन लिख देंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी। प्लस ऐसे यहाँ पर इसको इलेवन लिखेंगे और यू की पावर यानी एन की पावर थ्री अपन थ्री कर देंगे, माइनस सिक्स को बाहर लिखते हुए ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई टू यानी एन स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ये वाला फैक्टर के करस्पॉन्डिंग आ गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे प्लस डेल्टा की पावर फाइव बाई नॉट अपान फैक्टोरियल फाइव है, और इसमें इंटीग्रेशन करेंगे जब तो ये वैल्यू हो जाएगी एन की पावर एक पावर बढ़ जाती है यानी सिक्स हो जाएगी, अब बाद में भी सिक्स आ जाएगा, और फिर माइनस यहाँ पर जो होगा हमारा कोफिशेंट कुछ गलत आ रहा है, आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये यहाँ पर होना चाहिए टेन आना चाहिए, तो फिर आगे भी ये गलती चलेगी इसके साथ में, क्योंकि इसी का मल्टीप्लिकेशन किया था हमने तब ये हमें वैल्यू मिली थी। तो बाकी तो ये सब सही चल रहे थे हमारे, ये कैंसिल किया था यहाँ पर थ्री आ जाएगा, सब कुछ सही चल रहा था। ये फैक्टर टेन होना चाहिए, तो उसमें हम लोग सुधार कर लेंगे, देख लेंगे अभी इसको, लेकिन हम लिखेंगे क्योंकि मैं जो प्रूव करना था वो हमारे पास है, उसके बेस पर हम लिखेंगे। जिस वजह सेवन ना हो गया टेन होना चाहिए, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं सेवन कैसे आएगा। और इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो यू की पावर ये फाइव अपान फाइव होगा, और इसे कैंसिल करके जो कि टू वाला देख लीजिए जहाँ प्रूव करना है, तो वो इसी तरीके से मिल सकता है जब टेन होगा, और यहाँ पर यू की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो एन लोअर लिमिट तो ज़ीरो हो जाएगी। अब इस टर्म का करने जा रहे हैं तो थर्टी फाइव तो कॉन्स्टेंट है बाहर लिख लेंगे, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर फोर अपान फोर आ जाएगा, तो यू की पावर फोर है तो एन की पावर फोर अपान फोर हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस का फिर इसको भी लिखेंगे, माइनस का फिफ्टी लिख दीजिए बाहर, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो यू की पावर यानी एन की पावर थ्री हो जाएगा, एक बढ़ जाएगी पावर अपान में भी उतनी आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट टर्म में भी ट्वेंटी फोर, और यहाँ पर यू स्क्वायर बाई टू यानी एन स्क्वायर बाई टू हो जाएगा।
अब क्योंकि इस टर्म फैक्टर में गलती हुई है तो फिर बाकी और इसमें भी गलती हो जाएगी, क्योंकि हमने सी को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट निकाला था, जब हमने यू माइनस फाइव से मल्टीप्लाई इसमें किया था, यानी यहाँ तक का मल्टीप्लिकेशन जो हमें मिल गया था, तो हमने इसमें इसका और मल्टीप्लिकेशन किया तब हमको ये वैल्यू मिली थी। लेकिन अब चूँकि इसमें गलती आई है तो इसको करेक्ट हमें करना होगा, देखना है टेन कैसे आया है। देखिए सबसे पहले जब हमें मल्टीप्लाई किया था इस u और u माइनस वन का, तो हमें मिला था u में u का इंटू किया u स्क्वायर, u का वन में इंटू किया u आ गया था, इतना मिल गया था, हमने लिख दिया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। फिर उसके बाद में u u माइनस वन और फिर u माइनस टू आया, तो इनका इंटू तो हम ये कर चुके थे u स्क्वायर माइनस का u, और इसमें हम मल्टीप्लाई करना था u माइनस टू का। तो हमने इस तरीके से इंटू किया, पहले इस u का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा u क्यूब माइनस का u स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने माइनस टू का इन दोनों में इंटू किया, जब इस माइनस टू का इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का टू यू स्क्वायर मिलेगा, और इसका इंटू इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा टू यू हो जाएगा। अब इन दोनों को हमें जोड़ के लिखना होगा इंटू करने के बाद, देख देंगे लाइक टर्म वालों को, तो ये यू क्यूब माइनस का थ्री टाइम्स यू स्क्वायर और प्लस का टू यू। तो हमने ये इसको यहाँ लिखा होगा, देखिए यू क्यूब माइनस का थ्री स्क्वायर प्लस का टू यू, ये लिखा हुआ है जो डेल्टा क्यूब वाले में है। इसके बाद हमें मल्टीप्लाई डेल्टा फोर वाले में के लिए मल्टीप्लाई चाहिए था, यानी यू यू माइनस वन यू माइनस टू और यू माइनस थ्री और यू माइनस टू और यू माइनस थ्री। तो यू माइनस टू तक तो हम अभी फाइंड करके आए हुए थे, यानी यू यू माइनस वन यू माइनस टू यू माइनस थ्री और फाइंड करना था, ये इन का मल्टीप्लिकेशन तो ये रखा हुआ है, यानी यू क्यू माइनस का थ्री यू स्क्वायर प्लस का टू यू। अब हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है यू माइनस थ्री के साथ, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें पहले तो हमने u का इन तीनों में मल्टीप्लिकेशन कर दिया और यहाँ लिख दिया, यानी u की पावर हो जाएगी फोर माइनस थ्री यू की पावर थ्री प्लस टू टाइम्स u स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसके बाद माइनस थ्री का इन तीनों टर्म में इंटू करेंगे, अब इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का थ्री यू क्यूब और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा नाइन, और u स्क्वायर इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो माइनस आ जाएगा माइनस का सिक्स u आ जाएगा। अब इसको हम इसको ऐड करके लिख देंगे, यानी u की पावर फोर का तो एक ही टर्म है, u क्यूब के दो टर्म है, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का सिक्स आ जाएगा u क्यूब, और प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का u हो जाएगा इलेवन हो जाएगा u स्क्वायर हो माइनस का सिक्स u। तो क्या हमने यहाँ पर लिखा है, तो इसमें देखना होगा, तो हमने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है, यही टर्म लिखे हुए सारे के सारे टर्म आ रहे हैं, यू क्यूब यू क्यूब बाय फोर और माइनस सिक्स यू क्यूब प्लस इलेवन यू स्क्वायर माइनस सिक्स यू। अब हमें नेक्स्ट पे जाना होगा, यानी हमें यू माइनस फोर का और इसमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा हमें, यानी चाहिए है यू, इसी में गलती में थी यू माइनस वन और यू माइनस का टू और यू माइनस थ्री और यू माइनस फोर। तो यहाँ तक तो मल्टीप्लिकेशन हम करके आए हैं अभी, और इसकी वैल्यू तो हमें मिली हुई है ये, यानी u की पावर फोर माइनस सिक्स यू क्यूब प्लस का इलेवन यू स्क्वायर माइनस का सिक्स यू, इसको मल्टीप्लाई करना है u माइनस फोर के साथ में। तो इस u का हम सब तीनों टर्म में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अभी, इन तीनों टर्म में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा u की पावर फाइव माइनस सिक्स यू की पावर फोर प्लस का इलेवन यू की पावर थ्री माइनस सिक्स यू स्क्वायर, फिर माइनस फोर का इनमें इंटू करेंगे तो इसमें इंटू करेंगे और यू इसके यू की पावर फोर के नीचे लिखेंगे माइनस का हो जाएगा फोर यू की पावर फोर, देखिए गलती मिल गई है हमको। और फिर इसका बाकी सब टर्म तो सही थे हमारे, माइनस फोर का जब इसमें इंटू हुआ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ट्वेंटी फोर यू की पावर थ्री, और इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो ये मिलेगा माइनस का 44 यू स्क्वायर, और माइनस इसका इंटू करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 यू हो जाएगा। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो यू की पावर में 5 मिला है और माइनस 10 टाइम्स
यू की पावर फोर, पहले हमने ये मल्टीप्लाई किया था उसमें ये सेम ही ना आ रहा था, गलत हो रहा था किसी वजह से, और प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये फाइव यानी 34 यू की पावर 3, और इनको ऐड किया तो ये हो गया हमारा 50 यू स्क्वायर और प्लस का 24 यू, इतना आ गया। तो इसमें करेक्शन हम कर सकते हैं अब, क्योंकि ये 10 था। लेकिन अब इसी के साथ जो है हमारा नेक्स्ट टर्म भी गलत हो जाएगा, ये हम करेक्शन कर लें इसमें 10, और इसको हमने यहाँ पर करेक्ट करके लिख भी दिया था, यहाँ पर 10 लिख दिया था। तो बस आप इसमें करेक्शन अब काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा जो डेल्टा 6 वाला है, तो आप कर सकते हैं। हालांकि हम अब इतना कर लिया है, इतना हमने सॉल्व किया है, तो और सॉल्व कर देते हैं इसको। u-1 u-2 u-3 u-5 और u-4 और u-5 को और मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन तो हमारा ये रखा हुआ है, यानी u की पावर 5, यानी इन चारों का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी पांचों का मल्टीप्लिकेशन है u की पावर 5 -10 u की पावर 4 प्लस 35 यू की पावर 3 -50 यू स्क्वायर प्लस का 24 यू, और इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन यानी यू माइनस फाइव से मल्टीप्लिकेशन और करना है। तो अब हम यू का इन सभी में मल्टीप्लाई पहले कर देंगे तो यू की पावर हमको मिलेगी 6 -10 यू की पावर हो जाएगा 5 प्लस का 35 यू की पावर यहाँ पर हमें मिल रहा है u की पावर 4 -50 u की पावर हो जाएगा 3 प्लस का 24 u स्क्वायर, इसके बाद -5 का मल्टीप्लिकेशन इन सभी टर्म्स में कर देंगे। अब यहाँ पर u का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम -5 का हर एक टर्म में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -5 का जब इस टर्म में इंटू करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस का 5 u की पावर 5, तो u की 5 के नीचे ही लिख रहे हैं, इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो 50 हो जाएगा प्लस का और यू की पावर 4, इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो माइनस प्लस माइनस के इंटू माइनस आ जाएगा, और ये यहाँ पर इंटू करने पर 175 हो जाएगा, और इसके बाद इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे माइनस माइनस और यू की पावर तो 3 हो गया, और ये इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो प्लस का 200 हो जाएगा 50 यू स्क्वायर, और इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे प्लस माइनस का इंटू माइनस का आ जाएगा ये 120 यू आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके लाइक टर्म ऐड कर लेंगे तो यू की पावर 6 माइनस ये 15 यू की पावर 5 हो जाएगी, और प्लस का इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और ये हो जाएगा 85 यू की पावर 4, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 5, और इन दोनों को ऐड करेंगे 2 यानी 225 यू की पावर 3 है ये, और प्लस इन दोनों को ऐड करना है 4 और 0 4 हो जाएगा, ये 2 और 5 7 और ये 2 यू स्क्वायर और माइनस का 120 यू। तो इस जो लास्ट वाला टर्म लिखा है उसमें तो हमारे काफ़ी फैक्टर के कोएफिशिएंट गलत होंगे, क्योंकि ये था यू की पावर, देखिए यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम इसको, तो यू की पावर 6 का एक टर्म तो मिल रहा है, माइनस का 15 है, 15 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा 15 आप इसको ही देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा 15 यू की पावर 5, और प्लस का सब कुछ चेंज होगा क्योंकि हमने उस एक फैक्टर को गलत कर दिया था, तो सारे हो जाएंगे, तो 85 यू की पावर 4 माइनस का 225 यू की पावर 3 और 274 यू स्क्वायर माइनस 20, ये इस पे इफेक्ट नहीं पड़ा, ये टर्म ऐसे ही, यानी दो टर्म ही गलत हुए ये, तो अब हमें इंटीग्रेट करना रह गया है इनका हर एक टर्म बाई टर्म का। तो हमारे सामने है ऊपर ये, इनका इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम इस थोड़ी सी जगह में कर देते हैं, ये कॉन्स्टेंट
पहले से बाहर है यहाँ पर डेल्टा की पावर सिक्स वाई नॉट अपान फैक्टोरियल सिक्स, और यहाँ पर आपको मालूम है इंटीग्रेट करने के बाद हमें यू की जगह पर अपर लिमिट एन माइनस लोअर लिमिट ज़ीरो रखना होगी, क्योंकि यहाँ पर सभी टर्म में यू आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, तो अपर लिमिट यू बराबर ज़ीरो रखने पर वो टर्म ज़ीरो हो जाएंगे, तो सॉरी लोअर लिमिट ज़ीरो हो जाएगी, अपर लिमिट ही बचेगी, तो उसी को हम लिखेंगे। तो डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहे हैं, यू की पावर सेवन अपान सेवन हो जाएगा, तो एन की पावर यानी सेवन अपान सेवन हो जाएगा, माइनस यहाँ पर फिफ्टीन लिखने के बाद एन की पावर इंटीग्रेट करेंगे, एक पावर बढ़ जाएगी, फाइव है तो सिक्स होगा, अपान में भी यहाँ पर सिक्स हो जाएगा, प्लस 85 यहाँ पर इंटीग्रेट करें, यू की पावर है तो यू की जगह पर हमारा एन हो जाएगा, एन की पावर एक फोर की आप फाइव कर देंगे, अपान में भी फाइव आएगा, माइनस 225 और यू की पावर थ्री है तो यानी एक पावर बढ़ा देंगे, एन की पावर फोर अपान में भी फोर आएगा, और प्लस 274 यू की यानी एन यू की पावर टू है तो यानी यू की पावर थ्री हो जाएगा, अपान में भी थ्री आएगा, और माइनस लास्ट में एक लिखना है माइनस 120 कॉन्स्टेंट, और यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा यू स्क्वायर बाई टू यानी आ जाएगी वैल्यू एन स्क्वायर बाई टू, उसके बाद प्लस एंड सो ऑन कर दिया जाएगा और कुछ कैलकुलेशन कर लिया जाएगा, जैसे 120 है टू से कैंसिल होके ये 60 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 60 लिख देंगे, और यहाँ पर इसको नहीं कैंसिल हो सकता ऐसे ही रखा जाएगा, ये भी ऐसे रहेगा, और यहाँ पर ही कैंसिल हो सकता है, ये 17 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 85 फाइव से, और ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा 3 से, ये 5 टाइम्स, और ये यहाँ पर आ जाएगा 3 कैंसिल करने पर 62 आ जाएगा यहाँ पर अपान में, और बाकी सारे टर्म लिख देंगे जो बचे हुए हैं, कुछ हमने कैंसिल कर दिए थे जैसे इसको, और इसको कैंसिल कर सकते हैं 6 को 2 से, तो ये 3 आ जाएगा अपान में 2 आ जाएगा, और बाकी जब हम लोग इस सबको बचा हुआ जो भी है उसको लिखेंगे तो हमारा इसको दोबारा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो रिज़ल्ट शुरू में लिखा था वही आ जाएगा, यानी एच एन वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर वाई टू को पहले लिख लें, डेल्टा वाई नॉट प्लस, और इसको हम बाद में लिख दिया यानी डेल्टा स्क्वायर अप वाई नॉट अपान फैक्टर टू को, इस फैक्टर को एन क्यूब अपान थ्री माइनस एन स्क्वायर बाई टू, इसमें तो कोई कैलकुलेशन था नहीं, वहाँ पर ऐसे लिखना था, प्लस फिर नेक्स्ट टर्म में थोड़ा कैलकुलेशन था और कैंसिल हो गए थे जो कोफिशिएंट थे, और उसके बाद आ गई थी वैल्यू एन के बाद फोर अपान फैक्टोरियल फोर माइनस एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर डेल्टा क्यूब वाई नॉट अपान फैक्टोरियल थ्री, और प्लस फिर जो भी कैंसिल होने के बाद वैल्यू बची थी वो थी एन की पावर प्लस एन की पावर फाइव अपन फाइव माइनस थ्री एन की पावर फोर अपन टू माइनस इलेवन बाई थ्री एन क्यूब माइनस थ्री एन स्क्वायर डेल्टा की पावर फोर वाई नॉट अपन फैक्टोरियल फोर प्लस एन के पास सिक्स अपन सिक्स माइनस टू एन की पावर फाइव प्लस 35 अपन फोर एन की पावर फोर माइनस 50 एन के बाद 3 अपान 3 प्लस 12 एन स्क्वायर डेल्टा की 5 बाई नॉट अपान फैक्टोरियल 5 प्लस एन के बाद 7 अपान 7 माइनस 5 एन के बाद 6 अपान 2 प्लस 17 एन की पावर 5 माइनस 225 अपान 4 एन के बाद 4 प्लस 274 अपान 3 एन क्यूब माइनस 60 एन स्क्वायर डेल्टा की बाद 6 बाई नॉट अपान फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन टू इनफिनिटी। तो इन सारे टर्म्स को जैसे कि हमने शुरू में स्टेटमेंट लिखा, तो स्टेटमेंट में हमें इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसके लिए जगह छोड़ देंगे स्टेटमेंट में, और फिर जब हम प्रूव कर लेंगे, प्रूव करने के बाद इतना कैलकुलेशन को ठीक रखते हुए लास्ट में जो रिज़ल्ट आएगा तो वही रिज़ल्ट जो है वहाँ पर जो अभी लिखा था वो लिख दिया जाएगा यहाँ पर, बस ये वाला फैक्टर हमने बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, ऐसे इसको बाद में लिख दिया, इसको पहले दिया, जो कैंसिल हो गए थे वो कैंसिल कर दिया, इससे हमें जो रिज़ल्ट यहाँ पर मिला है ये जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला कहलाता है, और ये जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला जो है इसके भाई हमने मतलब ये कुछ छः यानी डेल्टा क्यूब डेल्टा के बाद सिक्स तक ही लिखा है एंड सो ऑन और भी हो सकते हैं, तो ये
जनरल इसलिए है क्योंकि अगर हम इसमें पर्टिकुलर एन बराबर वन रख देते हैं तो ये फार्मूला जो है बन जाता है, ट्रेपेज़ॉइडल रूल बन जाएगा। अगर एन इक्वल टू टू रख देंगे तो फिर इससे हमें मिल जाएगा सिम्पसन वन थर्ड रूल मिल जाएगा, और एन बराबर थ्री रख देंगे तो ये सिम्पसन थ्री एट रूल बन जाएगा, और एन बराबर हम सिक्स रख देते हैं तो ये वेडल्स रूल बन जाएगा। इस तरीके से हम इस फार्मूले से कई फार्मूले बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिस्टिंग मी। वाह कुरुदावाना अलहमदिल्ला الله رب العالمين